मैरवा थाना क्षेत्र का यह सिदरा बाजार है जहां पर यह घटना हुई है और एक दो नहीं तीन चार गाड़ियां यहां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें एक पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं सड़क के हमारे पीछे कि टक्कर इतनी भयावह है कि बिल्कुल सड़क पर दीवार सी हो गई है यहाँ पर एक बड़ी सी लॉरी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या फिर उस ट्रक में सवार एक ऐसी ट्रक थी जो नेपाल से जा रही थी और उसमें कुल 18 मजदूर सवार थे, जिनमें 4 मजदूर घायल हो गए हैं और उनको मैरवा रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इन मजदूरों का कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो बड़ी दुर्घटना हुई है और यहाँ के स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते हुई है। पुलिस के द्वारा आए दिन यहाँ पर ट्रक को रोक कर पैसा उगाही का कार्य किया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि इसी क्रम में पिछले साल जीरादेई मोड़ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। और उससे भी पहले जीरादेई मोड़ पर एक ट्रक के द्वारा 3 पुलिसकर्मियों को कुचल कर मार दिया गया था। और उसी क्रम में आज यहां पर एक बड़ी घटना हुई है। किसी के यहां पर हताहत होने की सूचना नहीं है। 4 आदमी जरूर घायल हुए हैं, उनको थोड़ी बहुत चोटें जरूर आई हैं। लेकिन ये प्रश्न है कि क्या इन पुलिस की लापरवाही से, यहाँ के स्थानीय पुलिस की लापरवाही से कितने दिनों तक इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती रहेगी। देखना ये दिलचस्प है कि अब इस सड़क पर मलबा को हटाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर तैनात हो गई है, ग्रामीण भी मौजूद है, ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बड़ी दुर्घटना के बाद क्या यहाँ की पुलिस कुछ सबक ले पाती है। मैं रवि सिंह सिवान से ATN लाइव के लिए। ये गई कंपनी में गाड़ी और खाली करके, मतलब हम लोग उसी में ड्राइवर बोला चलो हम छोड़ देंगे, हम लोग वहाँ से इसमें बैठे और आ रहे थे। और यहाँ आते आते क्या हुआ, वो पुलिस वाले ने वो अब कोई ये गाड़ी दूसरी जो खड़ी है हमारे सामने ये पकड़ने के लिए हम लोग की गाड़ी रोड पे बैंड कर दिया। और ये जो दूसरी गाड़ी पहले से गाड़ी बैंड किया फिर हमारी गाड़ी किया, वही लोग आए ना। पुलिस ने आपसे बताया कि पिछली गाड़ी जो आ रही है उसको पकड़ना है? हाँ पकड़ना है, आगे से जो गाड़ी आ रही है उसको पकड़ना है, इसके गाड़ी बैंड कर दो। हमने बैंड कर दी, आगे वाली डाली का बॉडी गाड़ी पहले बैंड करी, उसके बाद मैंने किया और टक्कर मार के मेरी गाड़ी में भी ठोक दिया, इसकी पलट गई। इसमें बंदे थे 15-20 बंदे थे। बाकी नियम कानून के तहत चलो, किसी को क्षति ना पहुंचे। इससे पहले साल के 12 महीने में 3-4 चक्कर लगते हैं, ये हमेशा रोकते हैं, हमेशा जबरदस्ती पैसे लेते हैं सर। इसी रोड में कानपुर की गाड़ी हम लोगों की इसी रोड में चलती है साथ सर। वो तो बच गए भाई, 2-3 को चोट भी आई। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो दोषी पदाधिकारी है, जो पदाधिकारी यहाँ ड्यूटी में थे, जो इस तरह की घटना की है उस पर जांच होना चाहिए। अगर वो ट्रक घेरवाए हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और जो क्षतिपूर्ति हुआ है वो तो नहीं लौटाएगा। बाकी जो गाड़ी घोड़ा में क्षति हुआ है उनको मरम्मत करने के लिए उनके तनख्वाह से काट कर इसका गाड़ी का मरम्मत कराना चाहिए और इस तरह का सख्त आदेश होना चाहिए। मैं चेकिंग करूँगा, इसे काला से काला चेकिंग हो।